नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर डीएसबीएसटी देखा था हमने, सो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में बात कर रहे थे, और हमने डीएसबीएसटी डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम को समझा था, और हमने ये देखा था कि रिसेप्शन साइड में वी हैव टू यूज कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर। सो मैं वो ब्लॉग डायग्राम भी दोबारा बनाता हूं एक डीएसबीएसटी रिसीवर का। तो डीएसबीएसटी रिसीवर, ये देखिए आपका सिग्नल यहाँ पे, ये जो एक हम सेम फेज एंड फ्रीक्वेंसी की, दिस इज बेसिकली डीमॉड्यूलेटर एंड दिस इज योर एसी कॉस 2 पाई एफसीटी जो कैरियर सिग्नल है मल्टीप्लाइड बाय योर मैसेज सिग्नल एमटी। ठीक है, दिस इज डीमॉड्यूलेटर। दिस डी मॉड्यूलेटर ये एसेंशियली मल्टीप्लायर होता है, हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दिस द इनकमिंग सिग्नल एंड आर वी जनरेट अ लोकली, दिस इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड लोकल ऑसिलेटर। यहाँ पे हम एक लोकल ऑसिलेटर यूज करते हैं, लोकल ऑसिलेटर। ओके गाइस, सो इस लोकल ऑसिलेटर से हम सेम फ्रीक्वेंसी और फेज एज अ कैरियर वेव यहाँ पे जनरेट करते हैं। ठीक है, एंड देन वी पास दिस सिग्नल टू दी लो पास फिल्टर, और यहाँ पे हमें आउटपुट में अपना मैसेज सिग्नल एमटी मिलता है। ओके गाइस, सो दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ डीएसबी मॉड्यूल, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीएसबीएससी डीमॉड्यूलेटर। इसको हम कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, इसको हम कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। आई विल टेल यू व्हाई। सो योर इनकमिंग सिग्नल विच इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर कैरियर वेव एंड द मैसेज सिग्नल, दिस इनकमिंग सिग्नल एक्सटी। ओके, and at the demodulator side we generate another signal which is exactly of same phase and frequency as your incoming carrier signal. We multiply them, and at the LPF we separate the higher frequency component. ये low pass filter है तो ये क्या करेगा, केवल low band की frequencies को pass करेगा। इसका हम cut off इस तरीके से रखते हैं कि जो FC यानी जो हायर फ्रीक्वेंसी रेंज है वो एलिमिनेट हो जाए और हमें केवल अपना मैसेज सिग्नल विच इज ऑन द लोअर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम मिले वो मिलता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो मैसेज सिग्नल होता है ना, मैंने आपको बताया था इट इज सेंटर्ड अराउंड यू नो लो फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और जो हमारी कैरियर होती है ये हाई फ्रीक्वेंसी में होती है। ठीक है, दिस इज एफ सी। सो ये जब हम इसको कैरियर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको यहाँ पे मिलता है FM plus FC, FM minus FC, okay? Similarly, negative side,
you get minus fm plus fc and minus fm minus fc. This is the shifted version. So we do basically modulation. This is the modulation operation. ये modulation operation है. यहाँ low pass जब हम इसको दोबारा से multiply करते हैं, मैंने आपको आखिरी class में दिखाया था कि हमको higher frequency components मिलते हैं और lower frequency components मिलते हैं. तो हम higher frequency component को separate करते हैं और हम LPF, ये काम कौन करता है? LPF यानी low pass filter. Low pass filter क्या करेगा? केवल low frequency को further pass करेगा और हमारा signal क्योंकि एक low frequency signal है, वो हमको output में मिल जाएगा. So this is we call as DSBSC demodulator. It is called as इसको हम coherent demodulation भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? Because हम यहाँ पे receiver side में same frequency of phase का signal generate करते हैं, जिससे हम incoming signal को multiply करते हैं. Because the frequency of the incoming signal, frequency and phase of the incoming signal, and the frequency and phase of the generated signal are same, has to be same. That is why it is known as coherent demodulation. क्योंकि जो हमारा आने वाला सिग्नल है, जो आ रहा है रिसीवर पे फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड द लोकली जनरेटेड सिग्नल, इनका फेज और फ्रीक्वेंसी सेम है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोहेरेंट डिमोड्यूलेशन. ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज सम एरर एट द लोकली जनरेटेड सिग्नल. अगर इसके फेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए या फेज में थोड़ा सा डेविएशन आ जाए तो क्या एरर होता है, अब हम उसको देखेंगे. ओके गाइस, नाउ एज वी नो दैट आवर इनकमिंग सिग्नल XT is the product of MT and AC cos 2 pi FCT. This is the incoming signal, right? So, यहाँ पर मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ. This is XT. This is locally generated AC cos 2 pi FCT. यहाँ लो पास फिल्टर से इसको पास करेंगे टू गेट एमटी बैक. ओके, सो दिस इज योर एक्सटी, दिस इज लोकली जनरेटेड सिग्नल. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक और सिग्नल मिलेगा. ठीक है, सो लेट अस सी, यू नो, अगर इस ये जो लोकली जनरेटेड सिग्नल है इसमें एक फेज डिस्टॉर्शन, लेट्स से दिस इज phi, there is a deviation of phi. So now let's multiply this. So let us call it as ut. So your ut is equals to xt into ac cos 2 pi fct plus phi. ये होगा आपका mt ac cos 2 pi FCT into AC cos 2 pi FCT plus 5. So now if we apply the formula of 2 cos A cos B here, so this will be equal to MT by 2 AC square cos 4 pi FCT plus 5 and cos 5, right? Okay, so now let's multiply this. So this will be equal to MT AC square by 2 into cos 5 plus MT by 2 AC square cos 4 pi FCT plus 5. Okay, so now as you can see that this is the higher frequency term, higher frequencies. Okay, this is lower frequencies. Okay, so this is centered around baseband because our MT is a low frequency signal, because now this is FCT. So FCT is our carrier frequency. So there is a is wale jo term hai isme carrier component hai FC.
मैंने आपको समझाया था कि FC will shift it to the higher frequency. तो हमने जो लो पास फिल्टर लगाया है यहाँ पे, ये लो पास फिल्टर क्या करेगा, इस कंपोनेंट को सेपरेट कर देगा एंड वी विल गेट दिस कंपोनेंट. ओके, सो एट द आउटपुट ऑफ आर यू नो डीमॉड्यूलेटर वी विल गेट दिस कंपोनेंट ओनली. सो यहाँ अब हम इस कंपोनेंट को देखेंगे. ठीक है, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या है, लेट अस फर्दर इन्वेस्टिगेट ओनली दिस कंपोनेंट बिकॉज दिस कंपोनेंट इज रिमूव्ड बाय आवर लो पास फिल्टर. सो लेट अस इन्वेस्टिगेट दिस, इसको देखते हैं ये क्या है एंड देन वी विल कम टू आवर कंक्लूजन. ओके, तो जो हमारा लो पास फिल्टर था, लो पास फिल्टर के आउटपुट में हमें एक कंपोनेंट मिला एमटी एसी स्क्वायर बाय 2 कॉस फाई. ओके फाइन, सो अगर यू नो बिकॉज ऑफ सम रीजन अज्यूम दैट फाई इक्वल टू 0, इफ फाई इक्वल टू 0 इट मींस कॉस फाई इक्वल टू 1. ओके, सो वी विल गेट व्हाट इज द आउटपुट, वी विल गेट MT AC square by 2. So this is just a scaling factor. ये केवल एक scaling factor. So इसका इतना role नहीं है. This is just scale this. Scaling factor. Okay? Scaling factor. So we will get MT. So अगर cos phi 0 होता है, तो हमको अपना signal MT मिल जाएगा. Okay? So this is the case 1. Very good. So ये तो बहुत अच्छा है कि हमें यहाँ पे अपना MT मिल रहा है directly. लेकिन अज्यूम करते हैं कि cos phi, और बेसिकली लेट्स अज्यूम दैट phi इक्वल्स टू pi by 2 और 90. इफ phi, लेट्स से मैं इसको दूसरे अज्यूम दैट phi इक्वल टू pi by 2 और 90 डिग्रीज, देन योर cos phi इक्वल टू 0, तो आपका जो सिग्नल वो क्या हो जाएगा, what you will get at the output, you will get 0 in the output. So इसे बोलते हैं, so अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, we will get a null. Okay, so this is very bad, this null is very bad. So it is because of this null, this is called null effect, this is called null effect, इसको हम बोलते हैं null effect. तो हमको output में क्या मिल रहा है, essentially हमको output में मिल रहा है 0. So zero, we don't want zero because then it is not tracing our signal actually, right? हमें अपने signal के output में क्या मिल रहा है, zero. Our signal is getting multiplied to a zero, which will give the output as zero, which is not desired. Okay, जो कि desired नहीं है. This effect is called as null effect. Okay. So this is the problem with coherent detection. Okay, with coherent detection. We have to maintain the same phase and frequency as of the carrier wave at the receiver. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मैंने आपको अभी दिखाया कि there is a possibility of null effect which is not desired. We will not able to recover our signal. Okay? So this is the issue with the coherent detection. So we use some techniques, like we use something called Costa's receiver, which is beyond the scope of this course. We use something called Costa's receiver. हम एक receiver use करते हैं, advanced receiver, Costa's receiver, okay? जो कि ये काम बहुत ही efficiently करता है. To it basically tracks the phase. ये phase की tracking करता है and then it avoids the null effect. But you know you can see, मैंने आपको ऐसा पहले भी बताया था कि ये एक बहुत ही यू नो स्ट्रिंजेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड रिसीवर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम. जो डीएसपी एससी मॉड्यूलेशन है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बिकॉज वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फेज एंड फ्रीक्वेंसी एट द रिसीवर एज वेल. अगर वो नहीं मेंटेन रहता है तो देर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अनडिजायर्ड आउटपुट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि देर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो आउटपुट, नल आउटपुट. ठीक है, तो डीएसपी एससी मॉड्यूलेशन जो है, इसमें देर आर एडवांटेजेस ऑफ इट, पावर कम लगती है, वो अभी हम समझेंगे कैसे पावर कम लगती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड वी हैव टू मेंटेन सिंक्रोनाइजेशन. हमें इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा है क्योंकि हमको रिसीवर में
वही फेज ऑफ फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना पड़ता है एज दैट ऑफ अ रिसीवर, एज दैट ऑफ अ ट्रांसमीटर. अगर वो मेंटेन नहीं रहता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नल इफेक्ट, और उससे क्या होता है हमारा सिग्नल ट्रैक नहीं हो पाएगा, विच इज नॉट डिजायर्ड, जो कि सही नहीं है. ओके, सो दिस इज अबाउट डीएसबी एसटी मॉड्यूलेशन. ये हमने डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन को समझा. डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एक मॉड्यूलेशन का टाइप है जिसमें कि हम अपने सिग्नल को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं विद द कैरियर सिग्नल एंड वी सेंड इट ओवर, वी रिसीव इट एट द रिसीवर यूजिंग समथिंग कॉल्ड कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन. हम इसमें कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन का यूज करते हैं. कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन में एक प्रॉब्लम आती है कि इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम एज वी हैव टू मेंटेन द फेज एंड फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट्स. सो नाउ वी विल गो टू समथिंग कॉल्ड डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर या फुल एएम, जो एक्चुअली में एएम सिग्नल होता है. अभी आपको ये समझ में आएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. पहले हम एएम सिग्नल को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि एएम सिग्नल क्या होता है और एएम सिग्नल कैसे काम करते हैं. ओके, हाउ इट वर्क्स, बेसिकली हाउ एन एएम सिस्टम वर्क्स. सो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं आपको एएम, द लार्ज कैरियर एएम बोलते हैं इसको, लार्ज कैरियर या फुल एएम भी बोलते हैं. Okay, so CT is equals to AC cos 2 pi CT. तो ये तो आपका कैरियर सिग्नल हो गया, ठीक है. So AC cos 2 pi FCT is your carrier signal. और जो फुल AM होती है, यानी जो मॉड्यूलेटेड AM होती है, उसकी इक्वेशन होती है XT equal to MT cos 2 pi FCT, where MT is your message signal. Okay, so this is the DSBSC 1 plus K MT into this is the equation of standard AM. Okay, where K is the sensitivity factor of the modulator. K is the sensitivity factor of the that we are multiplying this signal with the carrier signal. Okay. तो नाउ सी आपको एक सवाल जरूर पूछना चाहिए अपने आप से यहाँ पे कि जो के है सेंसिटिविटी फैक्टर, ये डीएसपी एससी में क्यों नहीं आता है, ठीक है. वो डीएसपी एससी में इसलिए नहीं आता है गाइस, बिकॉज डीएसपी एससी में वी यूज समथिंग कॉल्ड बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर फॉर द जनरेशन ऑफ द डीएसपी एससी सिग्नल. ओके, सो उसमें क्या होता है कि वी एक्चुअली व्हेन वी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट, वी हैव टू मॉड्यूलेटर्स. सो हम उसमें अपोजिट फेज का सिग्नल देते हैं, तो उससे जो सेंसिटिविटी फैक्टर होता है के है वो कैंसिल हो जाता है. ओके, तो वी डोंट हैव सेंसिटिविटी फैक्टर इन डीएसबी सिस्टम्स, डीएसबी एससी सिस्टम्स. ओके, सो नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड एएम. ओके, सो लेट अस सी इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो इसको समझने के लिए वी अज्यूम समथिंग, ठीक है. हम अज्यूम करते हैं कि लेट से आर एसी इज 1. ओके, एसी को 1 अज्यूम करते हैं एंड लेट्स अज्यूम दैट एमटी इक्वल टू कॉस 2 पाई एफएमटी. ये मैसेज सिग्नल है हमारा. ओके, सो स्टॉप. ओके, थैंक यू. सो के इक्वल टू 1, एफ एम इक्वल टू 1/2. अगर हम एफ एम को 1/2 लेते हैं, ओके,
इफ वी टेक एफ एम इक्वल टू 1/2 तो हमारा जो सिग्नल हो जाएगा वो हो जाएगा cos pi t. ओके, सो दिस इज आवर मैसेज सिग्नल एम टी. ठीक है, सो आवर मैसेज सिग्नल इज cos pi t नाउ बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट एफ एम इक्वल टू हाफ और एसी की वैल्यू में वन ले वन एसी की वैल्यू मैंने वन ले ली है और के है ऑल्सो आई एम अज्यूमिंग हाफ. मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए के इस टाइम हाफ लेता हूँ. ओके, सो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस एक्चुअली. ओके, सो सो अब इस सिग्नल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हम देखेंगे. ओके, बिकॉज योर के इज हाफ. ओके, योर एम टी इज कॉस पाई टी. ओके, सो लेट अस सी नाउ. तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी बिकॉज योर के इज हाफ योर एम टी इज कॉस पाई टी एंड दिस इज कॉस बिकॉज ए सी इज वन टू पाई सी टी. ओके, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब इस पर्टिकुलर चीज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा. मैक्सिमम वैल्यू इज व्हेन दिस इज वन. सो व्हेन कॉस पाई टी इक्वल टू वन व्हेन टी इक्वल्स टू जीरो इट विल गेट मैक्सिमम वैल्यू विच इज इक्वल टू 3/2. हाउ? बिकॉज 1 + 1/2 × 1 = 1 + 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड कॉस का मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1. ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा. मिनिमम वैल्यू होगा इसका 1 - 1/2 = 1/2. सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू. ओके, सो नाउ लेट अस ड्रॉ दिस फिगर. आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैसे होगा. ठीक है, सो दिस इज द, तो एक बार दोबारा से समझते हैं. ये स्टैंडर्ड एएम की इक्वेशन है. ठीक है, हमने स्टैंडर्ड एएम की क्वेश्चन कुछ अजम्पशन माने टू मेक द थिंग्स अंडर टू मेक यू थिंग्स अंडरस्टैंड बेटर. तो मैंने के ए को हाफ माना है, एफ एम को मैंने हाफ माना है, ए सी को मैंने वन माना है. तो अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा वैल्यूज. अगर तो आई विल गेट कॉस बाई टी एज माई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हाफ बिकॉज के ए इज हाफ एंड देन दिस इज द कैरियर सिग्नल. तो मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि कॉस की 1 होती है तो वी विल गेट हियर एज 1/2. 1 + 1/2 = 3/2. मिनिमम वैल्यू बिकॉज कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है सो मिनिमम वैल्यू इज हाफ. ओके, सो नाउ लेट अस ड्रॉ. तो बेसिकली आर सिग्नल विल ऑसिलेट बिटवीन 3/2 and 1/2. ओके, सो लेट अस सी, लेट अस ड्रॉ आवर डायग्राम एंड अंडरस्टैंड इट. डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है ना. तो मैं इसको एक डायग्राम की फॉर्म में आपको बना के दिखाता हूं. ओके, दिस इज लेट्स से 3/2, दिस इज 1/2. ओके, सो अब कॉस 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी यानी 3/2 होगी. ओके, एंड मिनिमम वैल्यू होगी आपकी कॉस 180 इज -1. ओके, सो कॉस 180 पे इसकी वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी विच इज 1/2, राइट. मैं यहां पर लिखता हूं दोबारा से. हमारा सिग्नल था कॉस, लेट मी राइट हेयर अगेन. दिस इज 1 + 1/2 कॉस पाई बाय टी. ओके, सो एट टी इक्वल टू 0 इसका वैल्यू कितना होगा. इसका वैल्यू होगा 3/2. ओके, एट टी इक्वल टू 1 इसका वैल्यू होगा 1 - 1/2 = 1/2 बिकॉज एट टी इक्वल टू 1 इट इज इक्वल टू कॉस पाई. ओके, एट टी इक्वल टू 2 इसका वैल्यू होगा 2 मीन्स 2 पाई. ओके, सो इसका वैल्यू होगा 1 + 1/2 = 3/2.
इसका ही जो रिफ्लेक्शन होगा, ओके, सो दिस विल बी द मिरर इमेज बिकॉज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है. सो नाउ यू कैन सी एंड यू नो यू रिमेंबर वी हैव दिस पार्ट आल्सो कॉस 2 पाई एफ सी टी. So now this is actually the, you know, the standard AM, the modulated AM. So मैंने आपको बताया था कि amplitude modulation में क्या होता है कि modulating signal modulates the carrier, है ना. तो जो carrier wave है उसका amplitude vary होता है according to the modulating signal. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि exactly वही हो रहा है. तो this is the standard AM. So let's start again. So this is the standard, you know, AM where we have you know, हमने देखा कि sensitivity factor की value half रखने पे हमको एक standard AM मिलता है, ठीक है. और because हमने जैसे starting में पढ़ा था कि amplitude modulation की definition क्या होता है, where the model the amplitude of the carrier wave, so this is a carrier wave, okay, this black portion is the carrier wave, is changed in accordance to the message signal. तो ये हमारा message signal था MT, तो MT के according ही हमारा carrier wave vary कर रहा है, ठीक है. carrier wave का amplitude vary कर रहा है. This is actually the amplitude modulation, right? So अब हम एक काम करते हैं. Let's change the value of k. Let's make k as more than one. अभी हमने k के value half लिया था ना, तो अब हम k की value one से ज़्यादा लेते हैं. Let us take it as three by two. ठीक है, k का value हम 3/2 लेते हैं. And as we know, हमने AC लिया था 1 और FM हम सेम 1/2 लेते, ठीक है. तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, 1 प्लस के cos 2 पाई FM T AC cos 2 पाई एफ सी टी. तो ए सी 1 हो जाएगा, ठीक है. दिस इक्वेशन विल बिकम 3/2 कॉस पाई टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ठीक है. तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कब होगा, जैसे कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1. व्हेन टी इक्वल टू एट टी इक्वल टू 1 वी विल गेट 1 प्लस 3/2 विच इज इक्वल टू 5/2, right? And at t equal to 2, जब t 2 होगा, sorry, at t equal to 0, we will get 5/2. At t equal to 1, what we will get? We will get when t equal to 1. पाई इक्वल टू कॉस पाई इक्वल टू माइनस 1, सो 1 माइनस 3/2 इक्वल टू 1/2, ओके. एंड एट टी इक्वल टू 2 वी विल गेट 1 प्लस 3/2, अगेन वी विल गेट 5/2 बिकॉज cos 2 pi equal to 1, right? So now let us draw it again. हम इसको देखते हैं. At t equal to 0, this is 5/2, okay? T equal to minus 1/2, okay. So
ओके सो इसी का रेप्लिका होगा हमारा दूसरा सिग्नल गाइस ओके सो देयर विल बी अ फेज रिवर्सल हियर अभी ये बहुत ही ध्यान समझने वाली बात है कि अभी क्या हो रहा है हम अगर इसको डिटेक्ट करेंगे व्हेन वी विल यू नो पास इट थ्रू द एनवेलप डिटेक्टर जो आपको तो हमको केवल ये वाला पोर्शन मिलेगा ये वाला पोर्शन ये पॉजिटिव पोर्शन ठीक है हमको ये पोर्शन मिलेगा केवल पॉजिटिव पोर्शन विच इज नॉट आर एम्प्टी एम्प्टी थोड़ी ना ये राइट दिस इज नॉट आर एम्प्टी दिस इज लाइक दिस हमारा एम्प्टी तो ऐसे था Our empty signal is like this. हमको जो हमारा empty signal था वो तो ऐसा था ठीक है हमको मिल के आ रहा है output में ऐसा signal because जब हम इसको एक मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी analog detector तो analog detector केवल इसको positive portion को pass out करेगा तो हमको जो signal मिलेगा it is not our empty ठीक है so हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हमारी k की value positive होती है sorry more than one होती है तो हमें हमारा सिग्नल का रेप्लिका आउटपुट में नहीं मिल रहा है यानी वी आर नॉट एबल टू डीमॉड्यूलेट दिस सिग्नल ओके दिस कंडीशन वेयर द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी फैक्टर इज मोर इज नोन एज ओवर मॉड्यूलेशन इसको क्या बोलते हैं हम ओवर मॉड्यूलेशन ठीक है तो हमने देखा कि के की लार्ज वैल्यू से एनवेलप डिस्टॉर्शन हो जाता है जो एनवेलप होता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो एम्प्लीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिग्नल में जो मैसेज जो रहता है हमारा वो केवल मैसेज सिग्नल में रहता है और मैसेज सिग्नल क्या होता है इट इज एक्चुअली द एनवेलप ऑफ द कैरियर है ना तो कैरियर का एनवेलप होता है वो हमारा मैसेज सिग्नल होता है लेकिन हमारे इस केस में हमने क्या देखा कि जो एनवेलप है वो नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में ये वाला एनवेलप ये होगा हमारा विच इज नॉट आवर मैसेज सिग्नल ठीक है तो इसलिए के की लार्ज वैल्यूज में वी फेस समथिंग कॉल्ड एनवेलप डिस्टॉर्शन ठीक है अब हम लेट अस फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ के विच आर फिजिबल जिससे कि हम अब के की वो वाली वैल्यूज फाइंड करेंगे जिससे कि हमारा क्या ना हो हमारा एनवेलप डिस्टॉर्शन ना हो क्योंकि एनवेलप डिस्टॉर्शन होगा तो क्या होगा वी आर नॉट एबल टू रिकवर आवर मैसेज सिग्नल तो हमको क्या करना है हमको के की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसमें हमें अपना मैसेज सिग्नल वापस से मिल पाए और कोई भी एनवेलप डिस्टॉर्शन ना हो ठीक है तो अब जो इक्वेशन थी वो कुछ ऐसे थी ना इक्वेशन थी 1 प्लस के एम टी ए सी कॉस 2 पाई एफ सी ठीक है तो एनवेलप डिस्टॉर्शन कब नहीं होगा जब ये वैल्यू पॉजिटिव होंगी सारी राइट तभी तो नहीं होगा ना तो अगर ये पॉजिटिव होगा हमेशा तो हमारा ये कभी भी नेगेटिव एक्सिस में नहीं जाएगी करियर वेव और जब ये नहीं जाएगी तो हमें हमेशा मैसेज सिग्नल मिल पाएगा यानी ये हमेशा क्या होना चाहिए दिस इज द कंडीशन ठीक है दिस इज द कंडीशन फॉर अवॉइडिंग द एनवेलप डिस्टॉर्शन एनवेलप डिस्टॉर्शन को हटाने के लिए ये कंडीशन है कि ये इट शुड बी पॉजिटिव ओके सो के एम टी शुड बी लेस देन वन राइट दोनों साइड से वन सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा ठीक है सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ एम टी शुड बी लेस देन इक्वल टू वन ठीक है तो दिस इज द कंडीशन फॉर अवॉइडिंग एनवेलप डिस्टॉर्शन ठीक है सो
दिस इज ऑल्सो डिफाइंड है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स. इसको हम क्या बोलते हैं, इस जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसको हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी बोलते हैं. मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ओके, सो अगर हमको डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए तो म्यू का वैल्यू हमेशा 1 से कम होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए. 1 के बराबर होता है उसे बोलते हैं हम क्रिटिकल मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है. और 1 से ज्यादा होता है तो वी कॉल इट एज ओवर मॉड्यूलेशन, बट वी वांट दैट इट शुड बी लेस देन 1, ठीक है. अगर हम एक एम्प्टी को एक साइनसोइडल सिग्नल देते हैं, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट एम्प्टी इज साइनसोइडल, एक केस लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर यू नो आर अंडरस्टैंडिंग लेट अस टेक अ केस, ठीक है. अगर दिस इज लेट दिस बी लाइक दिस ओनली, ठीक है, दिस इज डिफाइंड एज म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स. अगर एम्प्टी आपका मैसेज सिग्नल होता है, एम्प्टी मैसेज सिग्नल, इसको हम ले लेते हैं लेट से ए एम कॉस 2 पाई एफएम, ठीक है. लेट अस टेक लाइक दिस. ओके, सो मिनिमम ऑफ एम्प्टी क्या होगा, माइनस ए एम. दिस इज सो इसका अगर हम मॉड ले लें, ठीक है, तो दिस इज के ए मिनिमम ऑफ एम्प्टी इज माइनस एम्प्टी, जब भी नेगेटिव साइड में जाएगा राइट, एम्प्टी इज दिस इज ए एम माइनस ए, तो दिस इज मिनिमम, ठीक है, ए एम. ये किसी भी साइनसोइडल का ये मिनिमम होगा राइट, सो के ए इंटू ए एम. तो दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ, दिस इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एनी साइनसोइडल मॉड्यूलेशन. इसको हम ये रिजल्ट की तरह यूज करेंगे कि सेंसिटिविटी फैक्टर इनटू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ अ साइनसोइडल सिग्नल. ओके, तो साइनसोइडल सिग्नल के केस में हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है. सो गाइज, अगले लेक्चर में हम एक एएम, एक फुल कैरियर एएम सिग्नल का स्पेक्ट्रम देखेंगे, ठीक है, कि उसका स्पेक्ट्रम कैसे होता है. आज हमने ये समझा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने लार्ज कैरियर एएम के केस में समझी. लार्ज कैरियर एएम या स्टैंडर्ड एएम में यू नो द इक्वेशन इज आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट वंस मोर, 1 प्लस के एम टी ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी. तो ये इक्वेशन होती है, ठीक है, वेयर के इज द सेंसिटिविटी फैक्टर. जब आप जनरेट करते हो मैसेज सिग्नल को तो जो मॉड्यूलेटर होता है उसकी एक सेंसिटिविटी होती है के, यू नो इट गेट मल्टीप्लाइड इन द लार्ज कैरियर सिस्टम, बट इट वाज नॉट देयर इन डीएसपी. आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि वो डीएसपी में क्यों नहीं होता है, ठीक है. सो लार्ज कैरियर एएम के केस में दिस के इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस के इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो के है सेंसिटिविटी फैक्टर, ये डिसाइड करता है वेदर वी विल गेट आर सिग्नल एट द रिसीवर और नॉट, बिकॉज K determines whether signal will get through or it will suffer envelope distortion, ठीक है. So एक और बात मैं बहुत आपको पहले भी लेक्चर से बताइए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी AM modulated signal में उसका जो envelope होता है, ठीक है, ठीक है guys, बहुत ही important बात है. Envelope contains the information, जो empty है, this is empty, this envelope is empty. जो हमारा मैसेज होता है, ठीक है, ये उसके एनवेलप में होता है. तो अगर हम किसी तरीके से किसी भी एएम सिग्नल का एनवेलप को ट्रैक कर लें, यू नो इफ वी समहाउ ट्रैक द एनवेलप ऑफ अ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल वी कैन गेट आवर मैसेज. तो अब जो हम डीमॉड्यूलेटर पढ़ेंगे आगे, उसमें हम यही काम करेंगे कि इसका जो एनवेलप है, जो किसी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का एनवेलप है, हम इसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वही तो हमारा मैसेज है और हमको मैसेज ही तो चाहिए. दैट इज द होल पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस operations, ठीक है. So in the next lecture we will learn about envelope detection in detail.
ठीक है, एंड इन वो कर रहे थे हमको ये जो डेफिनेशन है ये बहुत काम आएगी कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है जो कि डिटरमाइन होता है किसके थ्रू किसके बाय के इज द सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर. ओके गाइस, सो या रिमेंबर दिस फैक्ट दैट किसी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के एनवेलप में ही हमारी इन्फॉर्मेशन होती है बिकॉज दैट इज एसेंशियली द मैसेज सिग्नल. और अगर हम उसके एनवेलप को डिटेक्ट कर लें, उसके एनवेलप को ट्रैक कर लें तो हमें अपना मैसेज मिल जाएगा. तो दिस इज द यू नो द मेन क्रक्स ऑफ टुडेज लेक्चर. ओके, सो let's disperse now. Thanks a lot for your attention, and in the next lecture we will see the spectrum of the AM signal and we will study the envelope detection, basically the demodulation of the standard AM. Thank you guys.